फिर से हार गए आज तुम लोग. अगला मैच तो हम लोग जीतेंगे, देखते हैं, देखेंगे कौन जीतता है. अरे 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 क्या हो रहा है, बस अभी मैच खेल रहे हैं. अच्छा और ये क्या पी रहे हो तुम? शरबत. ये शरबत तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बनता कैसे है? तुम में से किसी को शरबत बनाना आता है? अच्छा क्या क्या डालते हैं उसमें? शक्कर, नींबू, नमक. ओहो इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अरे उसमें सब घुल गया है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है. क्या पानी में सभी चीजें ऐसी घुल जाती है? चलो कुछ पदार्थ हम इसमें डालकर देखते हैं क्या वो घुलता है. हाँ, चेक हाँ, करते हाँ. तो बच्चों तुम्हारे सामने बीकर में पानी रखा हुआ है और कुछ पदार्थ रखे हुए हैं. चिनू क्या है तुम्हारे सामने? देखो नमक, शक्कर. और नियति? मैडम लेकिन इसमें क्या है? ये चौक पाउडर है. और आदि? ये तेल है. हाँ. क्या हम इसे भी पानी में डाल के देखते? हाँ चलो देखते हैं क्या होता है. ठीक है चलिए थोड़ा थोड़ा पदार्थ पानी में डाल दीजिए और उसे घोलिए. तुम भी ऐसे घोल कर देखो इसे, क्या ये घुल रहा है? क्या हो रहा है आदि? ये तो पानी के ऊपरी सरफेस पे है. और खुल रहा है चौक पाउडर? ये पूरी तरह से तो नहीं खुल रहा है. चीनू? हाँ ये तो पूरा खुल गया मैम, इसको समय लगा लेकिन ये भी खुल गया. बच्चों जब हम किन्हीं दो चीजों को मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं. परंतु जैसे यहाँ पर नमक और शक्कर को जब आपने मिलाया तो यह पूरी तरह से खुल गया. इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं. और चौक पाउडर वाला मिश्रण जिसमें चौक तली पर बैठ गया था और तेल वाला मिश्रण जिसमें तेल कहाँ है, सतह पर तैर रहा है, ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं.